मी आज जो मैं आपके लिए ओरिफ्लेम का एक प्रोडक्ट का जो रिव्यू लेकर आई हूँ वो मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल भी करती हूँ और इसी वजह से मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ प्रोडक्ट कौन सा है। जो प्रोडक्ट्स है लव नेचर का फेस वॉश है, ये पीच में है और एक ऑरेंज में है। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो है पीच में, ये वाला खुद पर्सनली यूज करती हूँ। मैं जो है अपनी स्किन को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं ऐसे भी कोई भी चीज जो है जल्दी से अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करती जब तक कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं कर लेती, क्योंकि मेरी स्किन जो है सेंसिटिव है और मैं बहुत सारी चीजें लगाने से डरती हूँ। जैसे बाय किया तो मैंने इसे अपने फेस पे लगाया 2-3 दिन, तो आई थिंक मुझे जो है फर्स्ट टाइम में इसका रिजल्ट पता चल गया कि फर्स्ट टाइम में जो है मेरे को अपने फेस पे ड्राइनेस फील नहीं हुआ और कहीं भी मेरा एक्ने शो नहीं हुआ। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली जैसे फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करते हैं। इसमें जो है पीच की फ्रेग्रेंस आती है, आप इसे ओपन करके आप फ्रेग्रेंस को महसूस कर सकते हो, आपको पीच पीच फील आने लग जाएगा। और इसको सिंपली 1 ड्रॉप लेना होता है और नॉर्मली फेस को अच्छे से जहाँ पे अगर को फेस जो है वॉश कर लेते हैं तो आपको आसपास जो है पीच की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जो आपका जो फेस है वो सॉफ्ट रहता है, काफी देर तक सॉफ्ट रहता है। बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। इसके सिर्फ 2 ही नेगेटिव पॉइंट है। एक तो इसका ये स्मॉल साइज में ही अवेलेबल है, इसका कोई बड़ा साइज अवेलेबल नहीं है। इसका सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है कि फ्रेग्रेंस ना इतनी अच्छी लगती है आपको कि आप चाहते हो कि थोड़ा सा और लॉन्ग टाइम तक चले, लेकिन ये इतनी लॉन्ग टाइम तक फ्रेग्रेंस इसकी चलती नहीं है। मे बी मेरे ख्याल से हाफ एंड हाफ बहुत है, लेकिन मैं जब मैं ऐसे यूज कर लेती तो मैं चाहती हूँ काफी देर तक रहे, लेकिन इतनी देर तक फ्रेग्रेंस रहती नहीं है। तो यही दो इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगी। हाफ स्टार इसके साइज ना मिलने की वजह से बड़ा साइज, और सेकंड जो है फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए तो उसकी वजह से, तो 5 में से 4 स्टार इसके लिए बहुत है। आप कह लेते हैं इसके एमआरपी की। इसका एमआरपी जो है 199 है, लेकिन जब आप इसे जब ऑफर में बाय करेंगे तो आपको ये 99 to 110 rupees की रेंज में मिल जाएगा। बाय करने के लिए क्या करेंगे आप? बाय करने के लिए आपको सिंपली या फिर कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एफबी का लिंक डाला है, एफबी पेज का, वहां पे जाके आप बाय कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके बाय करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। देखते रहे दीवानी जानी शो। यू आर वॉचिंग मी। थैंक यू। नमस्ते। बाय बाय।